स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, you know, to watch your own movie, you know, movie that's made on you. It's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, you know, let's say, जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूँगा, मैं ऐसे बैठा रहूँगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूँगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट्स, तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने एंड नीरज तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम. And that's how it gets over. So, you know, Neeraj के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा. I think he is very talented, बहुत talented है, बहुत hard working है. और I felt, you know, जितना भी हमने interaction किया, I think काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, but I think Neeraj, because काफ़ी चीज़ें हमने exchange किया, share किया, तो I think he knows a lot of me, the inside story of me. यू नो मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, यू नो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो यू नो इफ़ यू कैन कन्विंस हिम फॉर एन इंटरव्यू यू विल गेट अ बेटर इंटरव्यू देन यू नो रियली आस्किंग मी अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊँगा नहीं इस टॉपिक पर नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता.